जय हिंद दोस्तों, मैं शुभ आपका बायोलॉजी बडी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोफेज तक कंप्लीट कर लिया था, आज के लेक्चर में हम लोग मेटाफेज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मेटाफेज को समझते हैं। मेटाफेज बेसिकली क्या है कि मेटाफेज जो है ये कैरियोकाइनेसिस का सेकेंड फेज़ ठीक है। बेसिकली मेटाफेज में क्या होता है कि जब सेल प्रोफेज से मेटाफेज में इंटर करती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो कंडेंसेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि पूरी तरह से क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं आपस में और क्लियरली विजुअल होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्रोमोसोम्स कंप्लीटली कंडेंस्ड, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस्ड होके जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई तो क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स कम्स इन साइटोप्लाज्म। और जब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो मेटाफेज में क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो क्लियर विजिबल होती है कि इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, एक सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर होते हैं, दो काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पर होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का क्लियरली विजिबल होता है, इसलिए मेटाफेज को क्रोमोसोम की स्टडी के लिए बेस्ट फेज माना जाता है, बेस्ट स्टडी फेज ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि आइए क्रोमोसोम को समझ देख लेते हैं कि क्रोमोसोम इस फेज में कैसा दिखाई देता है। जो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो हमें ये इस पे हो गए, काइनेटोकोर। तो ये जो है ना ये हो गए दो सिस्टर क्रोमेटिड, टू सिस्टर क्रोमेटिड। उसके बाद ये जो वाइट वाला ये स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ही दो सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में जोड़ के रखता है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पे ये जो स्ट्रक्चर है डिस्क शेप स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं काइनेटोकोर। डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन का बना होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये जो क्रोमोसोम है ये मेटाफेज में क्रोमोसोम दिखाई देता है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम मेटाफेज में ऐसा क्रोमोसोम दिखाई देता है, इसीलिए मेटाफेज को बेस्ट स्टडी फेज ऑफ क्रोमोसोम माना जाता है। सेंट्रोसोम हो गई ये, और ये अपोजिट पोल के दोनों सेंट्रोसोम्स, इसमें एक क्रोमोसोम ये रहा एक क्रोमोसोम इधर है और एक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से, क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में ये हो गए सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर,
अब ये यहाँ से निकला स्पिंडल फाइबर जो कि काइनेटोकोर पे अटैच हो जाएंगे। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे कि क्रोमोसोम को इक्वेटर पे लाएंगे, मींस कि सेंटर में लाएंगे सेल के। ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपके सेंट्रोसोम एस्टर रे, ये हो गया आपके सेंट्रोसोम एस्टर रे, ठीक है। और उसके बाद ये क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वेटर पे ऐसे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे। ये क्रोमोसोम आ गए इक्वेटर पे, इक्वेटर पे अलाइन हो गए। ये स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्रोमोसोम इक्वेटर पर लाइंग हो गए मेटाफेज में। अब कुछ स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली अपोजिट पोल से अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटर पे अलाइन हो गए, तो इसी को इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं। तो यही मेटाफेज में होता है कि क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल पे अटैच हो जाते हैं, मतलब पहले जो स्पिंडल फाइबर है वो आके काइनेटोकोर पे अटैच होता है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे अटैच होगा, फिर उसके बाद क्रोमोसोम को अपोजिट पोल स्पिंडल फाइबर की हेल्प से इक्वेटर पे अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है मेटाफेज में, कि मेटाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर हैं, स्पिंडल फाइबर पहले तो काइनेटोकोर पे अटैच करेंगे, क्रोमोसोम्स के काइनेटो कोर पर अटैच होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल इक्वेटर की हेल्प से क्रोमोसोम सेंटर पे आ जाते हैं, स्पिंडल इक्वेटर पर क्रोमोसोम आ जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑफ अपोजिट पोल, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑफ अपोजिट पोल, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाता है। तो जहाँ पे मतलब प्लेन, जहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, एक लाइन में इकट्ठे होते हैं ना, उसको मेटाफिजिक प्लेट कहते हैं, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स नोन एज मेटाफिजिक प्लेट, मेटाफिजिक प्लेट समझे, कि ये जो है ना, यहाँ पे ये क्रोमोसोम अलाइन हुए एक के साथ, एक दूसरे के साथ लगे हुए, जो लगे हुए हैं, यही आपकी मेटाफिजिक प्लेट है या इक्विटोरियल प्लेट है, मेटाफिजिक प्लेट और इक्विटोरियल, प्लेट। तो यही बेसिकली मेटाफेज में होता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो मेटाफेज पे अलाइन हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो होता है उसमें बेसिकली हम लोग क्या देखने को मिलता है कि इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड
एक सेंट्रोमियर और दो काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर बेसिकली क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना हुआ डिस्क शेप स्ट्रक्चर, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोमियर पर अटैच होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें क्रोमोसोम, मेटाफिजिक क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें मेटाफिजिक क्रोमोसोम में देखने को मिलती हैं। और जब मेटाफेज एंड होता है, सेल एनाफेज में एंटर करती है, तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है, मेटाफेज जब एंड करता है तो क्रोमोसोम जो है इक्वेटोरियल प्लेट पे एक लाइन में अलाइन होते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली है। एनाफेज और टीलोफेज को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, टीलोफेज, नहीं तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए, थैंक यू। टाटा।